हे गाइस, दिस इज रौनक और आज हम कुछ अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हमारी यूट्यूब चैनल पे, जो कि काफी अच्छी आपको लगेगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनिरुद्ध साहू करके एक यूट्यूब चैनल है, जहां पे हमने गिव अवे में पार्टिसिपेट किया था, तो वहां से एक गिफ्ट हमारे घर पे आई है, तो उसकी छोटी सी अनबॉक्सिंग दे लीजिए। अगर आपको पूरा रिव्यू देखना है उस चीज का, तो आप उनकी चैनल पे विजिट कर सकते हैं, नीचे मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमेजोन से आया हुआ ये पैकेट है, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें आपको क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का बॉक्स येलो कलर में मिल जाता है, जहाँ पे आपको उसका बिल दिया जा रहा है। और चलिए आप देखते हैं कि बॉक्स में कंटेंट क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक इन ईयर हेडफोन है। अगर आपको उसका पूरा अनबॉक्सिंग और रिव्यू देखना है, तो आप उनकी चैनल पे जा के देख सकते हैं। यहाँ पे T600 इस ईयरफोन का मॉडल है। ये कौन से जगह पे यूज़ होता है, वो सारे कुछ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। पीछे आपको कुछ कंटेंट मिल जाता है, जिसको आप पढ़ के जान सकते हो कि इसमें आपको क्या क्या क्वालिटी मिल जाती है। यहाँ पे आपको माइक्रोफोन और बटन भी मिल जाता है कॉल रिसीव करने के लिए। तो अगर आपको इसकी पूरी अनबॉक्सिंग देखनी है, तो लिंक नीचे आप जाइए उसको देखिए। तो थैंक यू अनिरुद्ध साहू की हमको ये गिव अवे जिताने के लिए। तो ये है हमारा वो बड़ा बॉक्स, जो कि है HP का 1010 प्रिंटर, जो कि डेक्स्ट जेट प्रिंटर है। यहाँ पे आपको कलर प्रिंट और ब्लैक एंड वाइट प्रिंट दोनों में ये यूज़ होने वाला है। तो ये है उसका बॉक्स, यहाँ पे आप देख सकते हो। चलिए दूसरी साइड देखते हैं। तो वहाँ पे आपको उसकी प्राइस अराउंड मिल जाती है 2500 की अराउंड। तो ये उसकी प्राइस यहाँ पे बॉक्स पे लिखी हुई है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, तो आप उससे कम प्राइस में इसको ख़रीद सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके का बॉक्स है। यहाँ पे आपको पिक्चर मिल जाती है प्रिंटर की, और दूसरी साइड भी आपको कुछ डिटेल दी जा रही है कि कहाँ से आया वगैरह वगैरह, तो आप आसानी से इसको पढ़ सकते हो। ऊपर की तरफ आपको कुछ मिल जाता है कि कौन से OS में ये वर्क करेगा, तो मैक OS में भी ये वर्क करेगा और विंडोज़ में भी ये वर्क करेगा। अगर हम कार्टेज यानी कि जो इंक आती है उसकी बात करें, तो यहाँ पे इंक्लूड है 802S के दो वर्जन, जो कि ब्लैक एंड वाइट एंड कलर है, जिसमें ब्लैक एंड वाइट में आप अराउंड 120 पेजेस आप उसके निकाल सकते हो। और अगर 802S कलर वेरिएंट की बात करें, तो इसमें आप 100 पेजेस निकाल सकते हो एक ही बारी में। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसमें आपको कैसा प्रिंटर मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम उसको कट कर लेते हैं पहले, कट करने के साथ यहाँ पे आपको कुछ HP रिवॉर्ड्स का पहले पैकेज मिल जाता है, तो इसको आप निकाल के आसानी से पढ़ सकते हो और क्या है उसमें आप देख सकते हो। उसके अंदर आपको एक कैसेट भी मिलेगी। सेटअप इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप इस तरीके से उसको सेटअप कर सकते हो। आप इजीली यहाँ पे देखिए, सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप पढ़ के इसको यूज़ कर सकते हो। देखते हैं चलिए अब प्रिंटर आपको इसमें क्या कैसा मिलता है। तो अब हम निकालते हैं हमारा प्रिंटर। तो प्रिंटर निकालने से पहले मैं आपको दो केबलों के बारे में बता दूं। तो वहाँ पे आपको एक केबल है, जो कि चार्जिंग के लिए यूज़ होने वाला है। चार्जिंग यानी कि जो हम एडाप्टर लगाते हैं उसमें यूज़ होने वाला है, चार्जिंग तो नहीं होगा, लेकिन उसको ऑन करने के लिए ये यूज़ होगा। दूसरे दो केबल आपको इसमें दिए जा रहे हैं। एक केबल है जो कि जो चार्जर था उसमें लगेगा, और दूसरा है वो हमारे जो लैपटॉप में USB में कनेक्ट होता है वो लगेगा, जिससे आप अपने लैपटॉप या फिर PC से उसको कनेक्ट करके प्रिंट कर सकते हो। तो इस तरीके के दो केबल आपको दिए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम उसमें आपको प्रिंटर कैसा मिलता है। तो प्रिंटर को हम बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के साथ आपको काफ़ी अच्छी तरीके से पैक किया हुआ है, तो देखते हैं इसको ओपन करने के साथ आपको कैसा प्रिंटर मिलता है। तो ये हमने निकाल दिया ऊपर का कवर, और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके का प्रिंटर है। आपको लेफ्ट साइड बटन मिल जाता है HP डेस्क जेट 1010 HP का। यहाँ पे आपको राइट साइड लोगो मिल जाता है। तो इस तरीके का कुछ प्रिंटर है। और अगर हम और डिटेल में बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो कागज़ ऊपर आपको रखने होंगे, और आप नीचे उसकी प्रिंट निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके का कुछ प्रिंटर है। यूज़ करने के बाद पता चलेगा कि कैसे ये प्रिंट करता है।
उसमें आपको दो तरीके की कार्टेज मिलती है, एक है कलर वेरिएंट और एक है आपको ब्लैक एंड वाइट के लिए। तो आप ये दोनों आसानी से निकाल के यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इस तरीके के कुछ ये आपको मिलती है चीज़, तो ये आसानी से रिमूव हो जाती है। और अगर आपको इंक ख़त्म हो जाए तो इसमें आपको इंक डालनी पड़ेगी जिससे आप नेक्स्ट प्रिंट निकाल पाए। तो ये कलर वेरिएंट है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको कलर वेरिएंट में पिंक कलर का दिया हुआ है। और कलर में अगर बात करूँ तो इसमें आपको मिलता है ब्लू पिंक और येलो कलर का कॉम्बिनेशन, तो इस तरीके का है। पीछे आपको दो पोर्ट मिल जाते हैं, एक पोर्ट है इसको ऑन करने के लिए और दूसरा पोर्ट है अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो इस तरीके का कुछ ये प्रिंटर है, अगर आपको ख़रीदना है तो लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ नीचे जाके इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कुछ ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।